नमस्कार खांडी ओडिया रेसीपी चैनल को आपन को स्वागत। आज आम शीतदिन स्पेशल दुई प्रकार डाली प्रस्तुत करवा जहाँ को आप गरम भात सहित तो उभय आमिष और निरामिष थाले परसी पारे। तेज दुईट रेसीपी को आरंभ करने पूर्व जदि आपने प्रथम थर पर मो चैनल को देखुं और चैनल टी जाए सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आप नुआ भिडस नोटिफिकेसन पारे। तेज आस देखिए आज प्रथम आम बैगण दे मुग डाली प्रस्तुत करवा। एथिपाय मु गोटे गिना मुग डाली नहीं गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी यहपरी गोटे कुकिंग पैन दे यहाँ को यहपरी मझे मझे चलेकि बादामी रंग है जे यहाँ आम कि समय पर भाजवा। डालीपर बादामी रंग चली आसे यहाँ आम कि समय पर थंडा करापू थर दुई थर पर भल भाव में पाने धोई ना। बर्तमान आम यहपर गोटे प्रेसर कुकर को गैस स्टोव पर बस आवश्यक मुताबक पा पकेबा। मुझे दुई ग्लास पानी व्यवहार कर एबे आमे आगर धोई के रखिथवा मुग डाली को एथरे पकेबा। एहा सहित मु दुईटी बैगण गोटे छोट टमाटो नहीं छी आकु छोट छोट खंड करी काटी नहीं छी। बर्तमान ये कटा बैगण टमाटो को पकी सरिया परे एथरे स्वाद अनुसार लुण और हलदी गुंड को पकी एहा को थरे भला भाबरे मिसेई देबा ओ यार लीड को बंद करी गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रे रखी एथरे दुईटी व्हिसल आसीबा जे एहा को आमे सिझेबा। प्रेसर कुकर ऑटोमेटिक प्रेसर रिलीज होगा पर आम यार लीड को खोलिबा या को बघारियापी यार छुंक को प्रस्तुत करवा। बघारियापी आम यहपर गोटे कुकिंग पैन और गैस स्टोव पर बस एथर गोटे बड़ चामच सोरस तेल पकेबा। तेल भल भाव गरम होगा आम एथर आधा टी स्पून गोटा जीरा और आधा टी स्पून सोरस पकेबा और यह लो फ्लेम कि समय पर भाजवा। सोरस और जीरा भल भाव फुटीगला आम एथे स्वाद अनुसार किसी फाल कंचा लंका और किसी कटा पिज को पक गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी प्याज रे बादामी रंग आसवा जाए यह आम कि समय पर भाजवा। प्याज में जितेबाड़ यहपर बादामी रंग चली आसो से आम कि सुखला लंका पकेबा। यह सहित गोटे चामच कटा अदा पकेबा और गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी यह आम आउ गोटे मिनिट पर्यंत भाजवा। अदार कंचा बास्ना चलीगला प्याज में यहपर गाढ़ बादामी रंग आसीगला आम एर कि भृसंग पत्र और आधा टी स्पून हेंगु पकेबा। यह मात्र आधा मिनिट पर भाजिया पर आगर सिझेक रखिता मुग डाली को ये पकेबा। डाली को पकेबा आम यहपर गोटे ढांकुणी दे सांगे सांगे यहाँ घोड़े देवा जहाद्वारा छुंकर सुंदर कड़ा बासनाटी डाली भितर रही दुई मिनिट पर ढांकुणी को खोली यह आम थे भल भाव मिसेई देवा। यह मुग डाली कनसीस्टेन्सी को आपड़ बेस पतला कि बेस गाढ़ करेंगे ना यहपर मीडियम रखिए। डाली को भल भाव सीझे आसते यहाँ आपर गोटा गोटा रखिए। एवं आम ए कि कटा धनिया पत्र को दे यहाँ थे भल भाव मिसेई देवा। तेज प्रस्तुत हो जाए मैं शीतदिना स्पेशल मुग डाली आपण यह डाली को उभय आमिष और निरामिष था गरम भात सहित परसी पारे। बिरी डाली प्रस्तुत करवा बिरी डाली को बनवाई मुझे गोटे कप देसी बिरी डाली नहीं जेहेतु ये बिरी डाली को आगुआ भजा जाइए तेणु मुझे केवल यह भल भाव धोई सारे एल्प पा देखिए यहाँ मुझ आधा घंटापी बतुरी नहीं जहाद्वारा डाली आम जल्दी प्रस्तुत हो डाली भल भाव बतुरी गला आम यह बनवापी गोटे प्रेसर कुकर को गैस स्टोव पर बस एथेर आवश्यक मुताबक पा पकेबा। यह डाली जेहेतु टी पतला होता है तेणु मुझे अढ़े ग्लास पानी व्यवहार करें। आगर धोईक रखिता बेरी डाली को ये पकेबा यह सहित स्वाद अनुसार दुईट कंचा लंका पकेबा। एवं आम ए स्वाद अनुसार किसी लुण हलदी गुंड को पके यहाँ थे भल भाव मिसेई देवा। बेरी डाली सिझेपी जेहतु टी समय लगे तेणु आम गैस फ्लेम को लो मीडियम रखी यार लीड को बंद कर पांच रु छटी व्हिसल आसवा जाए यहाँ आम सिझेबा। डाली को जेहेतु मुझे किसी समय पर बतुरी नहीं थी तेणु पांचटी सीट में डाली आम बहुत बढ़िया भाव ये सीझी जदि आपण डाली भल भाव सीझेन तेज आपड़ एथेर आउ कि सीटी लगे ने। बर्तमान आम यहपर गोटे डाली घोटा सा कि समय पर घोटीदे जहाद्वारा डाली आम भल भाव फिटिज यही बिरी डाली को बघारियापर गोटे कुकिंग पट को गैस स्टोव पर बस एथेर मुझे गोटे बड़ चामच सोरस तेल पकई तेल भल भाव गरम होगा गोटे टी स्पून पंचा फुटण और किसी शुखला लंका को पके गैस फ्लेम को लोरे रखी यहाँ आम कि समय पर भाजवा।
ଫୁଟଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଛେଚା ରସୁଣ ପକାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଗାଢ଼ବା ଦେମି ରଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଏହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ଛେଚା ରସୁଣରେ ଏହିପରି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା। ଏହାକୁ ମାତ୍ର 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବା ପରେ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ବିରି ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏହି ବିରି ଡାଲିକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ସାଧା ରଖିବେ। 2ଟି ଯାକ ଡାଲିର ବଘରଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କଡ଼ା ଛୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଡାଲିକୁ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଡ଼ା ବାସନାଟି ଡାଲି ଭିତରେ ରହିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଖୋଲି ଏହାକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତେବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବନୁଥିବା ଶୀତଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁଗ ଡାଲି ଓ ବିରି ଡାଲିର ରେସିପି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି 2ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।